हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। आज हम दोस्तों रिव्यू करेंगे KTM ड्यूक 250 का। दोस्तों बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो 2018 में बाइक निर्माता कंपनी KTM की नई KTM ड्यूक 250 बाइक की एंट्री हो चुकी है। दोस्तों बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो में 2018 को थाईलैंड में आयोजित किया गया था। दोस्तों अगर बात की जाए नई KTM ड्यूक 250 के बारे में, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो बाइक है वो इंडिया के अंदर 3.73 लाख रुपए की पड़ेगी। दोस्तों अब इसके आने माने से ही पड़ेगी, लेकिन इसके फीचर्स के बारे में अगर बात की जाए तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इसमें अपग्रेड्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्यूचर का इजाफा किया है। दोस्तों तो मतलब कुल मिला के अगर बात की जाए इसके फीचर्स की दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो KTM ड्यूक 250 जो बाइक है दोस्तों, इसने क्या किया है कि वाइब्रेट मल्टी कलर्स और डेकम कलर्स यानी कि फ्यूल जो टैंक्स है इसका, वो थोड़ा टैंक लेस किया गया है दोस्तों इसमें। इसके साथ साथ ही इसमें क्या है, टैंक सिलेंशन पेंसिल भी शामिल किए गए हैं। अब इस बाइक में LED इंडिकेटर दिए गए हैं दोस्तों, और इसका लुक KTM ड्यूक 200 से काफ़ी मिलता जुलता रहेगा। दोस्तों अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो मैं आपको बता दूं KTM ड्यूक 250 बाइक ने कंपनी ने 248.80 cc का सिलेंडर दिया है, और लिक्विड कूल्ड इंजन भी शामिल किया है जो कि दोस्तों 24 न्यूटन मार का टॉर्क है और 29 bhp की पावर जनरेट करेगा। इस बाइक में ड्यूल चैनल PES शामिल किया गया है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर बात की जाए इसके इंजन की, इसके पावरफुल की, कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इसके प्रोसेस किया है। उसके साथ साथ ही मेन चीज़ पे इसके जितने भी दूसरे जो इसके पार्ट्स होंगे या फिर हम समझे इसके माइलेज पे जितने भी स्पेसिफिकेशन थे उन सबको अपग्रेड किया गया है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिया के अंदर ये पॉपुलर होने वाली बाइक है दोस्तों, जिसकी प्राइस तकरीबन 3.73 लाख समथिंग कुछ पड़ेगी दोस्तों। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।